नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक सपोर्ट पर। दोस्तों, आरयू ने कहा कि 17-20 सेशन और 18-21 सेशन की जितने भी डिग्रियां हैं वह नियुक्तियों में मान्य नहीं होगा। ऐसा क्यों कहा आरयू ने, इन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो पे देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें सेशन 17-20 और 18-21 से पास आउट हो चुके हैं तो दोस्तों आप सभी का जो भी डिग्री है वो मान्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा और इसका कारण क्या है, ये सभी एक्सप्लेन मैं इस वीडियो पे देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इसका रीजन क्या है और इसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम लेने का प्रोसेस क्या है, इसका फॉर्म कैसे फिलअप करना है, ये सभी जानकारी आज मैं इस वीडियो पे आपको देने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को सभी स्टूडेंट तक पहुँचाइए। अगर यह स्टूडेंट झारखंड में है या फिर झारखंड से बाहर भी जा चुके हैं लेकिन उसे आके ही एग्जाम देना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए क्योंकि ये वीडियो उनके भविष्य के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पृथ्वीराज और आप देख रहे हैं टेक सपोर्ट। दोस्तों, अगर आप रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी छात्र जिसका सेशन 18-21 और 17-20 है तो दोस्तों आप सभी का जेनरिक पेपर 2 का एग्जाम होने वाला है, उसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होने वाला है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एग्जाम क्यों होने वाला है। तो उसके लिए मैं आपको एक एविडेंस के लिए एक पेपर कटिंग दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आरयू ने कहा कि 2017-20 व 18-21 यूजी का रिजल्ट नियुक्तियों में मान्य नहीं होगा। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें जो इतने भी छात्र हैं जिसका सेशन 17-20 और 18-21 में पास आउट हो चुके हैं, वह जिसके सब्जेक्ट यानी कि 2 जेनरिक पेपर पे एग्जाम देना था लेकिन उन्होंने सिर्फ 1 जेनरिक पेपर का एग्जाम दिया, इसीलिए उनका जो पेपर है उसका जो डिग्री है वो मान्य नहीं है सभी नियुक्तियों में। यानी कि जितने भी झारखंड में JSSC है, SSC है या फिर वह डिग्री जो वह अगर टीचर बन रहे हैं UGC में यानी UGC नेट का भी एग्जाम देने हैं तो उसमें उनका जो डिग्री है उसे मान्य नहीं किया जा रहा है। ऐसा कारण इसलिए है क्योंकि उन्हें 2 पेपर का एग्जाम देना अनिवार्य था लेकिन यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1 पेपर का एग्जाम लिया, इसीलिए यह मान्य नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं इस पेपर में साफ साफ लिखा गया है कि सेशन 2017-20 और 18-21 UG का रिजल्ट नियुक्तियों में मान्य नहीं होगा, इसीलिए छात्रों को अब दोबारा एग्जाम देना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और इसका कारण क्या था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ABVP के द्वारा इसी के ऊपर एक आंदोलन किया गया और आंदोलन के बाद जब यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उन्होंने ये बताया कि अब इन्हें फिर से एक बार रिजल्ट फिर से एक एग्जाम देना होगा। उसका एग्जाम होगा नवंबर में और दिसंबर में रिजल्ट, यानी 1 महीने के अंदर इसे कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डेट भी जारी कर दिया है कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज टू नोटिफाई दैट फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कंसर्न दैट द लास्ट डेट फिलिंग अप टू एग्जामिनेशन फॉर्म विथ फीस ऑफ BA BSc BCOM सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 द अप्लीकेशन ऑफ सेशन 17-20 एंड 18-21 टू अपियर इन देयर रिस्पेक्टिव जेनरिक इलेक्टिव पेपर ऑफ स्पेशल एग्जामिनेशन। स्पेशल एग्जामिनेशन 2023 में ऑनलाइन मोड के द्वारा आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये जो एग्जाम होगा स्पेशल एग्जाम होगा सिर्फ 1 दिन के लिए। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ने यह तो जारी कर दिया है कि एग्जाम फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा जेनरिक पेपर का। इसका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट है वह 11 तक है, यानी कि 11 नवंबर तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, फिर दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। अभी तक डेट जारी नहीं हुआ है कि दिसंबर में कब एग्जाम होने वाला है, लेकिन इसका फीस कितना लगेगा ये भी हम पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे आते हैं नंबर 1 पे, यहाँ पे देख सकते हैं नो इंडिविजुअल फॉर्म्स एंड फीस विल बी एक्सेप्टेड इन द यूनिवर्सिटी ऑफिस। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस के बारे में जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन मोड है, एग्जामिनेशन फीस चार्ज सिर्फ 100 रुपीज लगेगा ये पर सेमेस्टर। एक सेमेस्टर का 100 रुपीज, यानी 2 सेमेस्टर है तो 200 रुपये लगेगा आपका। ऑल एग्जामिन ऑफ BA BSc BCOM सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 जेनरिक इलेक्टिव पेपर कैन डिपॉजिट देयर एग्जामिनेशन फीस ऑनलाइन मोड। अब इसका फॉर्म कैसे भरना है ये तो मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ, अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि आप फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, कैसे करना है वो सारी डिटेल्स मैं उस वीडियो पे दूंगा। यहाँ सिर्फ हम ये जानते हैं कि जेनरिक पेपर का एग्जाम आपको देना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले हम नीचे जानते हैं कि इसकी जो कटिंग पेपर है वहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ों को हमें पढ़ लेना है। जो जेनरिक पेपर का जो अलग पत्र है यहाँ पे देख सकते हैं पूरा चीज़ मेंशन किया गया है, लेकिन सबसे पहले नीचे और जान लेते हैं कि सिर्फ यह आरयू के द्वारा ही नहीं दिया गया है, बाकी यूनिवर्सिटी के द्वारा यानी BMQ जो विनोबा भावे MQ जो स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा भी यह एस्टिमेट जारी किया गया है, ये डेट जारी किया गया है कि उन्हें भी एग्जाम देना होगा। यानी जितने भी स्टूडेंट BBMQ से पढ़ के निकले हैं वह सभी स्टूडेंट भी आपको भी जेनरिक सेकेंड पेपर का एग्जाम देना होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चीज़ों को हम पढ़ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्यों ये देना आवश्यक पड़ रहा है। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं इतने 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे, जल्द ही इसकी तिथि तय की होगी, मतलब अभी तक तय हुआ नहीं है।
लेकिन क्यों देना जरूरी है यह जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। आपको सेकेंड जनरल पेपर का एग्जाम देना जरूरी इसलिए क्योंकि आप कोई भी वैकेंसी फॉर्म फिलअप करते हैं उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपना डिग्री का फोटोकॉपी सबमिट करना पड़ता है। लेकिन अगर उसमें अगर एक पेपर का नहीं रहेगा, अगर दोनों जनरल पेपर नहीं रहेगा तो वह डिग्री सर्टिफिकेट आपका अमान्य हो जाएगा और उसे मान्य नहीं किया जाएगा, आपका जॉब नहीं लगेगा, आप किसी भी फील्ड पर जॉब नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यूनिवर्सिटी के द्वारा यह तय किया गया और UGC से यह कंसल्ट करके ये बताया गया कि आपको दो जनरल पेपर का एग्जाम देना अनिवार्य है, इसीलिए आपको यह देना बहुत ही जरूरी है। आप सबसे पहले इस नोटिस को देख लेंगे और अपना फॉर्म फिलअप करके एग्जाम देना जरूर देंगे। अगर आप एग्जाम नहीं देंगे तो आपको आने वाले कल में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देख सकते हैं अगर जेनरिक पेपर का भी एग्जाम देते हैं तो उसका मार्कशीट कैसे आएगा, तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया यूनिवर्सिटी की तौर पे एक पेपर के कटिंग में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जेनरिक पेपर का जो अंक पत्र है वो अलग से दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी प्रशासन स्नातक के दो बैच के जिन दो बैच के छात्रों की परीक्षा लेने जा रहा है उसका अंक पत्र भी एक ही जगह दो होगा, यानी कि दो जेनरिक पेपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में मिले अंक के लिए अलग से विश्वविद्यालय द्वारा एक अंक यानी एक मार्कशीट अलग से निकाला जाएगा और उसे आपको दिया जाएगा, उसे आप अटैच करके हर जगह आप उसे दे सकते हैं, उसके बाद आपका मान्य हो जाएगा। दोस्तों ये थी सभी इन्फॉर्मेशन। सर आपको सेकंड जेनरिक पेपर का एग्जाम देना क्यों आवश्यक है इसकी पूरी डिटेल्स इस वीडियो पे है। अगर ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितने भी छात्र हैं उन तक ये वीडियो को पहुँचाइए और उन्हें यह मैसेज दीजिए कि उन्हें आवश्यक रूप से सेकंड जेनरिक पेपर का एग्जाम देना है। तो मिलते हैं इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक। और अगर आप फिर से चाहते हैं कि आपको एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप करना है उस पर ये वीडियो, तब मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।